बिसमिल्ल रन रहीम इस पूरे कोर्स के अंदर जहां कहीं कोई थ्योरेटिकल इशू या दुनिया का कोई प्रैक्टिकल इशू मैंने आपके साथ शेयर किया डिस्कस किया एज अ टॉपिक उसको पढ़ाया तो मैंने साथ पाकिस्तान का केस जरूर ऐड किया ताकि ये ज़रूरी है कि हम जैसे दुनिया का लिटरेचर पढ़ते हैं वहां साथ पैरेलल पाकिस्तान का केस भी देखते जाए तो चूंकि पिछले तीन लेक्चर्स के अंदर हमने सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया तो अब यहां पे जरूरी है कि हम ये देखें कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है अब इसको हम मुख्तलि तरीकों से चेक करते हैं कि, कि किसी दुनिया का सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो सबसे पहले तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो नाइनटीन है और अमेंड हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी में हम उसमें से एक स्टेटमेंट लेते हैं ओवरऑल ये सारी की सारी डिस्कशन इस लेक्चर में स्टेट बैंक के एक्ट से होगी लेकिन कहीं पे डायरेक्ट अटोनोमी का वर्ड आया होगा और कहीं पे अटोनोमी का वर्ड नहीं होगा हम उसमें से अटोनोमी की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेक्शन से जो एक्ट के हैं तो सबसे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है उसका सेक्शन फोर्टी सिक्स बी जो ये कहता है कि फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल अटोनोमी द बैंक द बैंक का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक शेल बी ऑटोनोमस इन द परसुट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इन दर्फॉर्मेंस ऑफ इट्स पॉवर टू दिस एक्ट यानी कि क्लियरली सेक्शन फोर्टी सिक्स बी ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को परसू करने में ऑटोनोमस है यानी कि इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उनको परसू करने में फिर इसी एक्ट का एक सेक्शन है जो डील करता है मेन फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और वो जो फंक्शन ऑफ द बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में है उसके मुताबिक ये द फंक्शन ऑफ द बैंक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट फोर्थ इन सेक्शन फोर बी एंड एज फर्दर डिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट शेल बी टू डिटर्मिन एंड इंप्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसी एंड फार्म्युलेट एंड इंप्लीमेंट द एक्सचेंज रेट पॉलिसी इसका मतलब है जो पहला फंक्शन एक्ट कहता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो है डिटरमिन एंड इंप्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसी इसका मतलब यह है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो किसका रोल है किसका फंक्शन है किसका इख्तियार है स्टेट बैंक का एक्ट जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो ये कहता है ये इख्तियार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है डिटरमिन करना भी पॉलिसी को और इंप्लीमेंट करना भी तो यहां से भी हमें पता चलता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी बनाने में इंप्लीमेंट करने में आजाद है ऑटोनोमस है और फिर दूसरे फंक्शन के मुताबिक एक्सचेंज रेट की पॉलिसी भी और चूंकि एक्सचेंज रेट की पॉलिसी भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही पॉलिसी बनती है एट द एंड तो इसका भी एक मॉनिटरी पॉलिसी से ताल्लुक है तो इस वजह से यहां एक्सचेंज रेट पॉलिसी का भी मैंने जिक्र कर दिया क्योंकि इसके बाद हम जिस टॉपिक की तरफ जाएंगे वो एक्सचेंज रेट से ही रिलेटेड होगा अब चूंकि अटोनॉमी दो तरह की होती है जब मैंने सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस या अटोनोमी का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया इस कोर्स में तो मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि अटोनोमी या इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है एक होती है गोल इंडिपेंडेंस और एक होती है इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस अब यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम समझें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास गोल इंडिपेंडेंस है या इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में टू के बी जो बेसिकली डेफिनेशन से जो पार्ट डील करता है वो प्राइस स्टेबिलिटी को जब डिफाइन करता है एक्ट तो उसमें कहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी मींस द मेंटेनेंस ऑफ लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन गाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट ये जो गाइडेड बाय गवर्नमेंट्स मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है ये ये बता रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास गोल इंडिपेंडेंस नहीं है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मीडियम टर्म प्रोजेक्शन या टारगेट देती है इन्फ्लेशन का और सेंट्रल बैंक उसको अचीव करता है तो टारगेट सेट करने में सेंट्रल बैंक ऑटोनोमस नहीं है वो गवर्नमेंट सेट करती है लेकिन इसी एक्ट का जो सेक्शन नाइन ई है जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी से डील करता है वो कहता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शेल फॉर्मुलेट द मॉनिटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट डिसीजन रिलेटेड टू इंटरमीडिएट मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव की इंटरेस्ट रेट्स एंड सप्लाई ऑफ रिजर्व इन पाकिस्तान एंड मे मेक रेगुलेशन फॉर दियर इंप्लीमेंटेशन इसका मतलब यह कि वह ऑब्जेक्टिव को सेट करने में तो नहीं आजाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन लेने वाली कमेटी है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी वो इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो करना जरूरी है वो करने में आजाद है तो यह दोनों चीजें क्या शो करती हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान

तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होते हैं फिर डिप्टी गवर्नर होते हैं डिप्टी गवर्नर उस सूरत में होंगे जब गवर्नर की एब्सेंस में फिर जो होते हैं तीन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं बैंक के और तीन सेंट्रल बै, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नर नॉमिनेट करता है अब उसके बाद क्या है तीन एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो मोस्टली इकोनोमिस्ट होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं तो चूंकि इस पूरे दस की कमेटी में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है प्लानिंग कमीशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम यहां से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट के इंफ्लुएंस से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये एक और तरीका होता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट टेन्योर इससे अंदाजा लगाते हैं कि सेंट्रल बैंक कितना इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान का जो एक्ट है वो ये कहता है कि गवर्नर का जो टेन्योर होगा वो फाइव ईयर्स के लिए होगा और उसके बाद उसे एक रीअपॉइंटमेंट भी उसकी हो सकती है यानी कि एक और फाइव ईयर्स का टेन्योर भी उसे दिया जा सकता है अब अगर गवर्नमेंट जो है वो आती है गवर्नमेंट जब चार्ज लेती है और गवर्नमेंट का टाइम फाइव ईयर होता है और गवर्नमेंट आके एक गवर्नर को अपॉइंट करती है तो चूंकि गवर्नमेंट के बाद गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई तो यह जरूरी है कि जो गवर्नमेंट की अपनी मुद्दत है वो पांच साल की पहले खत्म हो जाएगी और गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत बाद में खत्म होगी तो गवर्नर पोलिटिकल जो इंफ्लुएंस है उससे इसलिए आजाद होगा कि उसकी जो रीअपॉइंटमेंट है वो इस गवर्नमेंट ने करनी ही नहीं है तो फिर वो इस गवर्नमेंट के का प्रेशर जो है या उसकी मर्जी के डिसीजंस भी नहीं करेगा थैंक यू